की वजह से आज भारतीय लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो बहुत भयावह है। इन्होंने हमारे साथ जो सुबह 12 बजे हमें डिटेन करके एक ऐसे कैद खाने में रखा था जहां कोई पंखा नहीं था, कोई कूलर नहीं था। 9 जून टेम्परेचर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 45 प्लस टेम्परेचर था और चारों तरफ एसी आउटडोर की गर्मी थी, उसके बीच हमें इन्होंने कैद रखा था। फिर उसके बाद हमें ये हमसे झूठ बोलते रहे कि हम आपको अब छोड़ देंगे, तब छोड़ देंगे, जबकि उन्होंने हमें डिटेंशन का हमसे नोटिस वो भी साइन करा लिया था जो एक मुचलका होता है। लेकिन हमें शाम तक जब मेरी तबीयत भी खराब हुई, ऐसी तस्वीरें आई थी कि आपकी तबीयत खराब, जी हाँ मेरी तबीयत भी खराब हो गई रात को जाके, तब भी इन्होंने जो है वो कोई हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं बरती। लगातार इन लोगों की मीटिंग चलती रही और ये इन्होंने कहा बस हम अभी छोड़ने वाले हैं, थोड़ी देर में छोड़ने वाले हैं। 2 मरतबा ACP से मिला, आखिर में DCP के पास कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आया उनके आका का और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको FIR कर दीजिए, और FIR भी छूटी दर्ज। ये पूरा जो वाकया 10 मिनट का जो पूरे लाइव कैद है कैमरों में, लेकिन उन्हें FIR करते हैं हमारे 10:15 बजे, और वो भी क्या FIR कि हमने थाने में घुस के पुलिस के साथ हाथापाई की और पुलिस को चोट आई, जबकि दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अच्छा हुआ भी तो सुबह 12 बजे का वाकया, आप 10:15 बजे 10:30 बजे के रिपोर्ट कर, फिर आपको कैसे मेडिकल के लिए ले गए? आप वहां से बोले साहब हम आपको मेडिकल के लिए ले चलते हैं, मेडिकल पे लेके गए तो वहां पे सब वही सिस्टम, जाके देखा लोगों ने, बस मेडिकल कराया, उसके बाद हमें हवालात में ले गए। हवालात में चीते थे बिल्कुल, सोने की कोई जगह नहीं, ऐसी बदबूदार उसके अंदर टॉयलेट था, ना हमारे पास कोई सामान था खाने का ना पीने का। बहुत कहने के बाद मुझे मेरी बैरिक में 1 बजे खाना आया, और वो तो आया तो मेरिडियन से, लेकिन उसके अंदर दाल चावल थे और एक सब्जी भी थी। खैर बड़ा 6 लोगों के लिए कोई 3 लोगों का खाना आया, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा खा के अपने वक्त गुजारा। खाना देखकर क्या महसूस हुआ? खाना देखकर पहले तो अच्छा लगा कि भाई चलिए खाना में मेरिडियन से आया, लेकिन जब उसकी क्वांटिटी देखी तो 2 बाउल में चावल और 2 बाउल में एक में से दाल और एक में मटर पनीर की उसकी पालक पनीर की सब्जी, शाही पनीर की सब्जी, और उसमें 6 लोग थे। अब आप समझ सकते हैं मैंने कितना खाना खाया, पानी नहीं था उसमें, बड़ी उससे मन्नत करके तो संतरी से पानी मंगाना पड़ता था। कूलर भी बहुत दूर रखा हुआ था उसमें, लेकिन अंदर चीटियां इतनी थी, चीटे बड़े वाले इतने थे कि रात भर काटते रहे और सिर्फ दरी बिछी हुई थी। लेकिन एक अच्छी बात थी कि वो बैरिक शहीद आजम भगत सिंह की थी, तो ये सोचकर हमें सुकून था कि ये क्रांतिकारी जगह है, यहाँ पे अंग्रेजों के जुल्म भी खत्म हुआ है, तो इंशाल्लाह यहाँ से हमारे रहने से इस सरकार का जुल्म भी खत्म होगा। उसके बाद फिर हमें दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया, हमें फिर जेल भेज दिया गया। जेल में भी हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि हम चूंकि सब फ्रेशर थे, मैं खुद पहली बार तबा जेल गया, लेकिन हमें रिपीटर्स के साथ रख दिया गया, रोहिणी जेल में ले जाया गया। रिपीटर्स में जाहिर बात है कि वो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे, मर्डरर थे, उनके बीच में डाल दिया गया। तो अल्लाह का करम ये कि हमारे अखलाक से वो लोगों का हमारे साथ कॉपरेशन रहा। अलबत्ता ये जरूर है कि रोहिणी जेल का खाना कदर गनीमत था, खा लिया गया, उसके बाद वही जो जेल की जो सख्तियां थी वो तमाम सख्तियां झेली। कभी जिंदगी में हमें ऐसा सोचा भी नहीं था। कोई बड़ी सख्ती जो याद होगी लग रहा हो? सबसे बड़ी सख्ती तो ये थी कि इतनी गर्मी थी, ऊपर के फ्लोर में था मैं, ऊपर से छत तप रही थी, साइड से गर्मी थी, और सिर्फ 25 लोगों के लिए सिर्फ 4 पंखे थे। अब 4 पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे थे, तो रात में आलम यह कि बस नहाए तो लेट सकते हैं, और लेटने के लिए भी नीचे कुछ बिछाने के लिए नहीं, सिर्फ एक कम्बल, बस बार बार पानी नहीं नहाने के लिए, तो वो थोड़ा सा पानी आ जाए, पानी डाल लें और फिर वहाँ पर ले आके लेट जाए। तो इतनी सख्तियों में वक्त गुजरा, लेकिन हमारा जो कॉज था वो इतना पायस था कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के ताल्लुक़ से ही हमारा कॉज था, हम उसके खिलाफ गए थे, तो इसलिए अंदर से इत्मीनान था कि ये तो कुछ भी सख्तियाँ नहीं है जो सहाबा इकराम ने सख्तियाँ झेली हैं, ये तो कुछ भी सख्तियाँ नहीं जो हमारे बुजुर्गों ने झेली हैं, इसलिए इत्मीनान आ गया। फैमिली वालों के बारे में क्या सोच आ रही थी, पॉलिटिकल क्या सोच आ रही थी? नहीं, असल में पहले तो ये था कि जिस तरह से पुलिस ने केस बनाया था, रस्सी का सांप बनाया था, बिल्कुल झूठ बकाता था।